आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम इन 5 खिलाड़ियों को किसी भी शर्त में अपने टीम में शामिल करना चाहेगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम पिछले 17 वर्षों से आईपीएल खेलते आ रहे हैं, पर बेंगलोर की टीम अब तक एक भी आईपीएल खिताब नहीं जीता। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम एक बार फिर टीम को मजबूत बनाना चाहेगी। हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें विराट कोहली वाली आरसीबी की टीम अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकती है। दोस्तों, केएल राहुल आरसीबी में शामिल होने की खबरें बहुत दिनों से चल रही है। अगर केएल राहुल को लखनऊ सुपर जायंट की टीम रिलीज करती है तो वह आरसीबी की तरफ से खेलना चाहेंगे। पहले भी केएल राहुल इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अगर फाफ डु प्लेसी को आरसीबी की टीम रिलीज करती है तो आरसीबी को एक नया ओपनर बल्लेबाज की जरूरत होगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक खिलाड़ी ट्रेविस हेड टीम को मजबूत बना सकते हैं। ट्रेविस हेड को हैदराबाद की टीम मजबूरी से रिलीज करने वाली है। ऐसे में आरसीबी के पास एक खतरनाक खिलाड़ी होंगे जो आईपीएल 2025 में आरसीबी को ट्रॉफी जितवा सकते हैं। आरसीबी की टीम को एक स्पिनर की भी जरूरत है। इस टीम को लंबे समय से स्पिनर की कमी खल रही है। ऐसे में श्रीलंका के खतरनाक ऑलराउंडर दुनित वेलालगे को आरसीबी की टीम अपने खेमे में शामिल करना चाहेगी। दुनित वेलालगे ने भारत के 2 मैचों में अकेले 10 विकेट झटके साथ ही 80 रन से ऊपर बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। केकेआर की टीम एक विदेशी खिलाड़ी रिटेन करने वाली है, वह सुनील नारायण होंगे। तो मिचेल स्टार्क को केकेआर की टीम रिलीज करने वाली है। मिचेल स्टार्क एक बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। ऐसे में आरसीबी की टीम मिचेल स्टार्क को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। आरसीबी की टीम से अगर फैफ डु प्लेसी बाहर होते हैं, फिल साल्ट उनकी जगह विस्फोटक शुरुआत देने में माहिर होंगे। दिनेश कार्तिक की कमी यह खिलाड़ी पूरी करने वाली है। फिल साल्ट एक शानदार बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं। ऐसे में फिल साल्ट की आने पर आरसीबी की टीम और अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। दोस्तों, अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।